तो है गाइस वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो सो गाइस वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्योंकि आपको आज दर्शन करवाने लगे हैं बाबा अमरनाथ जी के। भैया जी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और भैया जी ये गाड़ी में जा रहे हैं हम चार भाई बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने, वो दूर पहाड़ों में। वो देखो ये पहाड़ों के पीछे अभी बाबा अमरनाथ की गुफा। तो अभी हम सोनमर्ग में भाई, अभी यहाँ से जा रहे हैं पांच लोग, और जो हमारी फैमिली है वो इसी होटल में रहेगी भी आज। और देखते हैं अभी शाम तक वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, शायद कर पाए मे भी। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। और भाई ये पीछे जंगल है ना भाई, मैं रात को भी देख रहा था, मैंने कहा भालू भूलू आएंगे, कोई भालू भूलू नहीं आया भाई, कोई नहीं आया। ये घोड़े वाले कैसे रह लेते हैं भाई, ये देखो भाई टेंट लगा रखा है, इनको डर नहीं लगता भाई भालू से। और बहुत भालू है भाई कश्मीर के अंदर, भालू बहुत है, अनगिनत भालू है। चले भाई चले, चलो बरारी टॉप तक गाड़ी जा रही है भाई, क्या बात है। मतलब आने वाले 5-7 सालों में, मतलब कि यहाँ से 12 किलोमीटर गुफा है, 13 किलोमीटर और 7 किलोमीटर तक गाड़ी जा रही है आने वाले 5-7 साल में। मतलब पब्लिक के लिए भी शायद चल पड़ेगी फिर गाड़ियाँ यहाँ से, शटल सर्विस। तो गाइस हम आने वाले अभी पराड़ी मार्ग पे, जिसकी हाइट है 12,000 कुछ है। ये अपने जो होली की है गुफा है ना, उसके बराबर ही है इसकी हाइट, उससे कम है वो 13,000 है। अच्छा वो 13,000 है, ये 12,000 हाइट, ठीक। तो सो गाइस वहाँ पे देखते हैं भाई, थोड़ा आराम करेंगे बैठेंगे। और बहुत नीचे से आ रहे हैं, नीचे देखो भाई क्या जबरदस्त है, भोले की वादियों में। तो सुबह इस पहले पड़ाव पे रुके हैं भाई, पहला पड़ाव हमारा बरौरी टॉप, यहाँ से 7 किलोमीटर आ चुके हैं। ये लगे भाई हमारे घोड़े, घोड़ों पे वैसे जाते नहीं है भाई, पर यहाँ पे थोड़ा मजबूरी थी क्योंकि हमने शाम को वापसी करनी है भाई, और एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, थोड़ा सा पानी पुनी पी लेना। यहाँ पे पानी ज़्यादा पीना चाहिए भाई, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे। अभी हम यहाँ हैं, यहाँ पे 12,000 की ऊंचाई पे, आगे मिलेगी 13-14,000। तो सो गाइस ये अबरारी मार्ग का देख लो भाई, अभी टूरिस्ट नहीं है भाई यहाँ पे इतना, पर फिर भी दुकानें लग चुकी है भाई। चलो भैया बैठो बैठो बैठो, अभी भाई मेरी फोटो भी खींचेगा है। रघु 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 तगड़ा भाई, चलो अभी चले, अब चलो भाई। सो गाइस यहाँ से दूर से दिखने लग गया भाई, ये पंचतरणी है भाई ये वाला, और ये है संगम, और भाई ये तिरंगा लहरा रहा है देश का, और बर्फ के पहाड़ों के बीच में आ चुके हैं भाई। तो चारों तरफ बर्फ के पहाड़ है, इधर गहरी खाई देखो भाई, वाटरफॉल कितना जबरदस्त है भाई, ऊपर पैदल वालों का रास्ता और ये नीचे घोड़े वालों का रास्ता भाई, कितना जबरदस्त वाटरफॉल है। सो गाइस ये आ गया अभी संगम टॉप, और भैया यहाँ पे उतराई बहुत ही डीप उतराई है भाई, इसलिए घोड़े वालों ने उतार दिया भाई हमें। तो भाई यहाँ पे उतर चुके हैं, ये उतराई बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और डीप उतराई है। तो भाई ये संगम टॉप है, और ये सामने से भैया आ रहा पंचतरणी का रास्ता, और ये रास्ता हमारा, और ये जा रहा गुफा का रास्ता इधर, ये ऊपर चढ़ाई देख रहे हो हैं, ये वाली ये गुफा को जा रहा भाई। भाई चलते हैं, मोबाइल रखते हैं जेब में और निकलते हैं भाई। आ जाओ आ जाओ,
भाई ध्यान ध्यान से आना, ध्यान से। आजो आजो, शाबाश। देखो भाई, मेन दिक्कत तो हमारे ये बेचारों को, बेजबानों को। सही यात्रा आधी यात्रा का फल तो ये ले जाते हैं ना, है भैया? आधी यात्रा का फल तो ये ले जाते हैं, है ना? घोड़े ले जाते हैं आधी यात्रा का फल। देखो भाई, चढ़ाई देख लो जी, क्या जबरदस्त चढ़ाई है। लो भाई, आ गए अभी बर्फ बर्फ के बीच में। कौन से? नहीं, आप कहाँ पे? नहीं नहीं, अपने तो नहीं है। तो सो गाइस, ये भोले बाबा की बात यहाँ भाई, ये देख लो, इधर भी बर्फ, इधर भी बर्फ भाई, और ये बीच में रास्ता बना हुआ है भाई। गाइस, वो है भोले बाबा जी का द्वार, भोले बाबा जी की गुफा दिख रही है अभी। इतनी मतलब वो नहीं है ना, अभी सजावट वगैरह इतनी नहीं कर रखी है अभी। तो सो गाइस, ये देखो कितनी सारी बर्फ में से निकल के आए हैं भाई। ये वाली बर्फ ना आपको स्टार्टिंग में दिखेगी भाई, क्योंकि अभी इंसान का पैर कम पड़ रहा है ना यहाँ पे, और जहाँ इंसान का पैर पड़ जाता है वहाँ पे नेचर खत्म हो जाती है भाई। 20 दिनों के अंदर, 20-25 दिनों में ये इतनी बर्फ से मतलब 20% रह जाएगी। जय हो बाबा बर्फानी। तो गाइस, अभी लंगर अच्छी तरह से शेल्टर ना लगे नहीं है भाई, लंगर वालों के अभी लग रहे हैं, तैयारी चल। रास्ते देख लो भाई, यहाँ पे चढ़ना बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत टफ है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो सो गाइस, ऐसा है जी, यहाँ पे पौड़ी सीढ़ियों पे बर्फ नहीं है इस बार, नहीं तो एक बार आए थे तो आज से 3-4 साल पहले आधी सीढ़ियाँ भरी हुई थी बर्फ से और आधी सीढ़ियाँ खाली थी बिल्कुल। हाँ, ये जैसे ये बर्फ पड़ी है, ये देख, ये बर्फ पड़ी जैसे। यहाँ से क्लाउड ब्रस्ट हुआ था भाई, जहाँ से ये वाटरफॉल आ रहा है ना पिछले साल। तो सो गाइस, अब की यात्रा बढ़िया रहे भाई, ऐसा कुछ भी ना हो, मौसम की मार मत पड़े कोई भी, शिव भक्तों पे भोलेनाथ कृपा करें। तो गाइस, फाइनली बैठे हैं अभी, गुफा के नीचे पहुंच गया भाई, पर यहाँ पे सीढ़ियाँ ना जो धीरे धीरे चढ़नी पड़ती है, क्योंकि तेज चढ़ना सांस वापस नहीं आती भाई कई बार, ऐसा आर्मी वाले बोलते हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ भाई, ये देखिए, कृपया सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ें, तेज चढ़ना घातक हो सकता है भाई। ये सामने रही गुफा, अभी तो 100 पौड़ी आए होंगे, 400 पौड़ी पड़ी होगी भाई, ये ऐसे घूमती है, ऐसे घूम के फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जिग जग जा रही है। ओह, देख चंडे किस लगे, ये देखो भाई फ्लैग कहाँ पे लगे। तो सो गाइस, यहाँ पे नेटवर्क देखो कैसे दिया जाता है, जियो एयरटेल वगैरह के ये टावर टेम्परेरी होते हैं, और ये चल रहे हैं सब जनरेटर के साथ। सो भाई, अब की बार हम भी ऐसा घर बना के जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस लगाना पड़ता, बैलेंस रखना पड़ता भाई इसका। ये बना दिया, चले भाई, सांस बहुत फूलती है भाई। अभी हमारा इशान बोल रहा था, मैंने भी आना, पर भाई देखो नीचे कितनी सीढ़ियाँ, 1 घंटा हो गया चढ़ते हुए, 2 कदम चलते हैं फिर भी सांस फूल जाती है ना। गुफा के अंदर पहुंच गए अभी,
अभी बाबा जी के दर्शन करते हैं, देखते हैं अगर कैमरा अलाउ करेंगे तो कर तो देंगे शायद। जय बाबा जी। देखो बेटा ये है, इतने कौन कौन है, देखा बेटे ऊपर। तो सो गाइस कर लिए भाई दर्शन हमने बाबा जी के, बाबा बर्फानी जी के भाई, आपको भी करवा दिए भाई। अब की बार पूरा परिवार दिखा भी, पूरा परिवार शिव, अब की बार पूरा परिवार के दर्शन हुए हैं शिव भगवान, शिव के, पार्वती माता, गणेश जी, नंदीगण, और वो नीचे जाना भाई अब उतर के। तो सका इस खुले दर्शन किए हैं, खुले दिल से दर्शन हुए और पहली बार दर्शन हुए अभी ऐसे। और भैया अब हम जा रहे हैं भाई, ठंड ना लग जाए नीचे नंगे पैर हैं और पाँव बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं भाई। तो हमारे बंदे तो सारे शहर को लाइव दर्शन करवा रहे हैं अभी वीडियो कॉल करके। अभी हम चलते हैं, अभी शूज डालते हैं उतनी देर में। वहाँ पे जल भी मिलता है पर मेरे पास बोतल वगैरह नहीं है भैया। तो भैया जी अब दर्शन हो गए हैं, मस्त से दर्शन हो गए हैं। अब नीचे जाके लंगर पानी छकते हैं भाई थोड़ा बहुत, और दर्शन बहुत खुले हुए भाई, और पहली बार इतने खुले दर्शन हुए और सह परिवार दर्शन हुए भाई पहली बार। अभी लंगर खाएंगे नीचे जाके भाई। तो सो गाइस अभी हो रही है हमारी वापसी भाई, अभी वीडियो कम बनाएंगे भाई क्योंकि सारी उतराई है, तो उतराई में घोड़े को भी डर लगता है और बंदे को भी डर लगता है भाई, क्योंकि स्लिप मारते हैं ना घोड़े। और वो रही हमारी केव, होली केव, और हमारे घोड़े का नाम है लाल। चलो भाई यहाँ पे उतार दिया, रास्ता थोड़ा सा टफ है। तो सो गाइस ये देखो भाई लास्ट हमारी, अभी वापसी में दर्शन करवा रहे हैं आपको अमरनाथ के, और ये दूर से आ रहे हैं भाई हम, देख लो भाई। और हमारे बंदे यहाँ आर्मी वालों से बातें कर रहे हैं और हम चलते हैं भाई। सो गाइस यात्रा करके आए हैं भाई, संपूर्ण यात्रा करके आए हैं, और हमारी शक्ल देख लो भाई, ये देख लो भाई, इसकी देख लो, हमारी देख लो, और हमारे साथ जितने भी गए ना सब ऐसे ही हुए पड़े हैं। और भैया मास्क जरूर लेके जाओ ऊपर, है ना, मास्क के बिना तो बहुत गलत हो जाएगा भाई। मास्क भी तेरे मालिक। हाँ